किड्स भक्ति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और YouTube ऐप पर बेल आइकन को प्रेस करें। अरबों साल पहले दानवों और देवताओं के बीच एक भीषण महासंग्राम हुआ था। उस महासंग्राम के देवताओं का नेतृत्व आगे बढ़ो अग्निदेव ने किया था और दानवों का नेतृत्व गुरु शुक्राचार्य के शिष्य राहु केतु ने। युद्ध में जब राहु केतु अग्निदेव पर भारी पड़ा तो विष्णु भगवान से रहा नहीं गया। बहुत हो गया खिलवाड़। आ, 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 आ,
आप क्या फेंकोगे? चलो निकलो यहां से। युद्ध के अंत में विष्णु ने राहु केतु के सर को धड़ से अलग कर दिया और राहु केतु के कट के गिरने से जो जलजला आया उससे धरती फट गई और उसके गर्भ में तप कर रहे शुक्राचार्य की तपस्या बंद हो गई। अपने शिष्य की करुण पुकार सुनकर वो उठ खड़े हुए। विष्णु जागो। दानव जागो। 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 जिन मनुष्यों को तू दानवों से बचा रहा है कलयुग में वे स्वयं दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े दानव को जन्म देंगे जिसके जागते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। सारे दानव धरती छोड़कर शुक्राचार्य के पीछे पीछे खींचते चले गए और धरती दानव मुक्त हो गई। फिर दानवों ने अपनी जगह गुरु शुक्राचार्य के शरीर में बना ली और इस तरह से शुक्र ग्रह की स्थापना हुई। कलयुग क्या है माँ? जिस समय में हम रह रहे हैं उसे ही कलयुग कहते हैं बेटा और इस युग में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बहुत पापी हो गया है। जंगलों को काट रहा है, जानवरों को मार रहा है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचा रहा है। टुन्नू और टंकी भी पापी है, मुझे अपने साथ कभी नहीं खिलाते। क्या सच्ची में एक दिन बहुत बड़ा राक्षस आएगा जो सबको खा जाएगा? आज तो मानव खुद ही सबसे बड़ा राक्षस बन गया है। वो भूल गया है कि प्रकृति ने ही सब कुछ बनाया है और एक दिन प्रकृति ही सबको वापस ले जाएगी। तो फिर हमें कौन बचाएगा? मेरे तो पापा भी चले गए। हनुमान जी है ना, वो किसी को कुछ नहीं होने देंगे। ज्यादा झुक मत, गिर जाएगी। कौन सा गांव है? बजरंगपुर। आपका गांव है? हर चीज जो बजरंग हो जरूरी नहीं कि मेरी है। तो फिर देख क्यों रहे हो? वो बच्चे देख कितने खुश हैं। लेकिन वो बेचारा अभी भी किनारे खड़ा है। कौन है वो? तुझे और कोई काम नहीं है?
साइज देगा अब ना, चल जा। ब्रह्मचारी है, बंदर जात का है, क्यों दिल दुखाती है उसके पीछे? कौन है? हनुमान। अरे कम से कम थोड़ी आवाज तो किया कर, क्या हुआ? घूमने जा रहा हूँ धरती पर, अंदर कौन है? इंद्र भगवान है मेन। मेन तो वही है बस। मेन बात ये है कि तुमको क्या? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। मेनका के साथ हैं? जा जा, नहीं तो गरुड़ छोड़ जाएगा। उसकी जरूरत तो आपको है। नारायण नारायण।
मार, फिर से मार। नहीं नहीं, जैसे पहले मारा था ना वैसे मार। नाटक कर रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने नहीं किया था। हाँ हाँ, रोनाल्डो का भूत आया था। सच्ची? अगर अगली बार फील्ड के पास दिखा तो फुटबॉल बना के तेरा ही गोल कर दूंगा, समझा? अरे आगे बेटा, मिंकू बेटा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अरे रोते ही रहोगे या बताओगे भी कुछ? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? क्या हुआ बेटा? एक तो ऐसे भी कोई अपने साथ नहीं लाता, अब देखते भी नहीं देंगे। बोल, अपने आप गोल में उड़ते हुए चले गए, उन्हें लगा मैंने किया। पापा आएगी ना तब सबकी पिटाई कराऊंगा। मुझे धरती मैया के पास वापस जाना है। अभी तो जाके आया है। भगवान या अदृश्य हवा बन के नहीं, उन बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। वो मुझे देखेंगे नहीं तो मेरे साथ खेलेंगे कैसे? तू पागल हो गया है? यहाँ क्या नहीं है तेरे पास? सब तेरे दोस्त हैं। मृत्यु लोग क्यों जाना चाहता है? करोड़ों साल से वही शक्लें देख देख के पक चुका हूँ। आप मेरी मदद कीजिए ना। आप दूसरों की जासूसी करते हो। मैंने कभी किसी से कुछ कहा, लेकिन अब आपको मेरे लिए ब्रह्मा जी से बात करनी ही पड़ेगी। वरना अगर मैंने इंद्र जी को बता दिया कि जब वो मेनका के साथ थे तो आप चुप कर, यहाँ बादलों के भी कान होते हैं। तो आप ब्रह्मा जी से बात करोगे? मैंने बोला था विष्णु भगवान का अवतार लेने से पहले वानरों को भगवान का स्थान कभी नहीं देना चाहिए। इंद्र जी चुप, मैं करूंगा ना बात ब्रह्मा जी से। अभी ये वीणा क्यों नहीं फोड़ देता मेरे सिर पे? चल। पुत्र क्या करोगे वहाँ जाकर? आजकल धरती पर जाना खतरे से खाली नहीं है, पाप बहुत बढ़ गया है। चित्रगुप्त जी, ब्रह्मा जी, जरा इसे ग्राफ तो दिखाना। चित्रगुप्त जी, ब्रह्मा जी। अब भी जाना चाहोगे? पर भगवान, अभी भी कई मनुष्य हैं जो अच्छे हैं, पुण्य करते हैं और जो भगवान में विश्वास भी रखते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से तो मृत्यु लोग जीवित है पुत्र, वरना कब का खत्म हो जाता। तो फिर ये दुविधा क्यों प्रभु? अब तुम्हें दिखाना ही होगा। ये देखो, ये सारे धरती पर पोस्टेड थे और देखो मानवों ने इनकी क्या हालत कर दी है। अब भी जाओगे? क्यों भाई, फिर से जाओगे धरती पे? नहीं नहीं प्रभु नहीं, किसी और ग्रह पे ट्रांसफर करवा दीजिए, कब तक तो अभी चलेगी। मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। जाने दो प्रभु। हाँ। नहीं तो पता नहीं बेचैनी में अपनी पूंछ में आग लगा के स्वर्ग ही नहीं। हाँ। दे। नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा सोचने दो। आप चारों सोचिए प्रभु, हम दोनों बैठते हैं। खड़े रहो। जैसे आ गया। तो ठीक है, तुम नीचे जा सकते हो। थैंक यू प्रभु। लेकिन तीन शर्तें हैं जी। पहली, तुम्हें मानव रूप में जन्म लेना होगा। दूसरी, तुम्हें अपनी सारी दिव्य शक्तियां चित्रगुप्त के पास रखवा के जानी होगी। सिर्फ अपना बाहुबल अपने साथ ले जा सकते हो जी। तीसरी, तुम जिस औरत की कोख से जन्म लोगे उसे थोड़ा सा अंदेशा जरूर होगा कि तुम कौन हो। थोड़ा क्यों प्रभु, पूरा क्यों नहीं? चुप। चौथी, आपने तो कहा था तीन शर्तें। मैंने कहा ना चुप, यहाँ ब्रह्मा कौन है? आप प्रभु। चौथी शर्त,
अगर वापस तुम कभी हनुमान रूप लेना चाहोगे तो अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, लेकिन फिर कभी मनुष्य रूप नहीं ले सकते। और पांचवी प्रभु? और पांचवी ये कि तुम्हारी पूंछ का कोई इलाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो डिटैचेबल नहीं है। उसको तुम ही संभालो और सोचो उसका क्या करना है। और तुम्हारी सूरत, उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सब मंजूर है भगवान, सब, बस मुझे धरती मैया के पास भेज दीजिए। तो ठीक है चित्रगुप्त, तुरंत हनुमान के नाम एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, हनुमान उस पर दस्तखत करो और जाओ। माफ करना वायुदेव। चांद के सामने कोई है? हाँ, ये ज्वालामुखी जल्दी ही फटने वाला है। कोई उल्का आ रही है लड़के की तरफ। हाँ, अल्का आई ही नहीं आज सफाई करने। इसी तरफ आ रही है। घर में घुसने मत देना, ये कोई समय है सफाई करने का। बड़ी होती जा रही है। हाँ, घी जो चुरा चुरा के खाती है। कोई उल्का गिरी है कहीं। चलो जल्दी चलो। कहाँ है अलका? उल्का आप बाहर जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ठीक है। बस बेहोश है। कुछ नहीं, वो मुझे दीजिए। हाँ ये लो। बैठे हैं आप?
क्या है वहाँ पे? अरे वहीं पर तो था। क्या नहीं कौन, हमारा बेटा अपने आप चल कर गया। आप बोरा गए हैं। नहीं मैं सच। पंडित जी कहती हैं हमारा बेटा खुद चल के आया। झूठ बोलते हैं, है ना बेटा? दूध की नदी दही का दरिया झटपट सारा गट कर लिया। कोई तो दो भेद बोल गया है ब्लैक होल। देखो इसकी दांत भी है। इसका नाम होगा मारुति। मन में कहीं हो लगन, सदा रहे जो ध्यान मगन। मीठा पल पाएगा वही चांद आ गया है। उनको फोन करके बताओ। चांद पे फोन नहीं है। हेलो हेलो, मैं प्रोफेसर ज्वालामुखी बोल रहा हूँ। ज्वालामुखी में कुछ हो रहा है, वो जाग रहा है। हेलो हेलो हेलो। जानता हूँ, मेरा भी कोई विश्वास नहीं करता। पता है शुक्र ग्रह पे जिंदगी है। हाँ शुक्र है कि जिंदगी है। पंडित जी क्या खिलाऊं, कहाँ से खिलाऊं, इसकी भूख तो मिटती नहीं। अब जितना है उतना ही खिला सकता हूँ, पंडित हूँ पॉलिटिशियन नहीं। अरे इसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसे भूखा ही छोड़ दें। हाँ। बस इसके इतने ही मिलेंगे पंडित जी। ठीक है। डालो इसे ट्रक में। आए थे? आए तो थे, लेकिन टीवी दिया, पैसे लिए और चले गए। पापा,
बेटा स्कूल जाएगा। अरे अरे इस तरफ। इतने सारे लोगों की फोटो क्यों लगी है? क्योंकि ये सब गायब हो गए हैं। लेकिन ये लोग गायब क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो बंदर है। उसने मुझे बंदर कहा। कोई बात नहीं बेटा, उसे पता नहीं है ना कि तुम। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बंदर कहता है। इस दीवार के उस तरफ क्या है? उस तरफ का भी मत जाना। क्यों? अब जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। वाह जी, बड़ा तंदुरुस्त बच्चा है जी तुहाडा। दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। ओ शाबाश, आपको दूध पीना अच्छा लगता है? दूध पीने से ताकत आती है। आपकी उम्र कितनी है? तीन साल तो काफी घट होंगे ना बच्चे नूं स्कूल चलाने लई। 3 महीने। ये जल्दी ही वापस आने वाला है। 3 महीने? चंगा मजाक कर लेते हो जी आप। दूध पीने से इतनी ताकत। कितनी उम्र बताई जी इसने? जी वो 3 महीने। ठीक है जी, भेज दो जी स्कूल इसको। जी धन्यवाद। देखो एक चिचिंदर की जात बंदर। उनकी तरफ मत देखो, वो बस मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मारुति। और तुम्हारा? रिंकू। मुझसे दोस्ती करोगे? देखो हाथ मिला रहा है। तुमको कट्टी करनी है तो कर लो, मेरा जो भी दोस्त बनता है ना उस पर सब हंस दे। अब से नहीं हंसेंगे। क्यों रे बंदर, डर जाए आज। अब बोलो हंसोगे मेरे दोस्त पर? हाँ, मेरी ताकत तो बहुत ज्यादा है। 2 भैंसों का दूध पीता हूँ मैं, पर मेरी ताकत तो बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ ना। हे मिंकू, अपने दोस्त से बोलो ना हमसे दोस्ती करने को। पहले बोलो, तुम लोग हंसोगे मेरे ऊपर? नहीं, नहीं हंसेंगे। सॉरी बोलो। सॉरी मिंकू। ठीक है, मुझे सोचने दो मैं दोस्ती करूँगा या नहीं। चलो मिंकू, आज से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मुन्नी वो देखो, मिंकू हंस रहा है। हाँ मैं भी देख रही हूँ। ये मुन्नी है और ये डड्डू मेरे दोस्त। ये है मारुति। पता है इसने आज क्या किया? तुम्हारी शक्ल कुछ डिफरेंट है। दीवार के उस तरफ एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। हाँ, एक आँख वाला राक्षस। ये राक्षस क्या होता है? तुम्हें राक्षस नहीं पता? नहीं। अरे राक्षस आदमी खाता है स्टूपिड। चलो चलते हैं। पागलो क्या, उधर नहीं जाना चाहिए। चलो ना चलते हैं, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। हाँ? नहीं मारुति, वहाँ मत जा, वहाँ राक्षस है। क्या देख रही हो मुन्नी? मारुति कुछ डिफरेंट है। फिर क्या हुआ, राक्षस दिखा? लेकिन उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी।
मारुति जैसी राक्षस की शक्ल। मारुति कुछ डिफरेंट है। ये लड़की फोड़ेगी भांडा। क्यों बे, तुझे बोला था ना इधर दिखाई नहीं देना। मैं तो बस आइसक्रीम खा रहा था, और क्या। आइसक्रीम कहीं और जाकर खा, ये हमारी जगह है। चलो। आप लोग आज नहीं खेल रहे हो? तू कौन है बे? बंदर। मुझे भी फुटबॉल खेलना है। खेलना आता है? बोल ले बे। चल खेल के दिखा। टुन्नू मैदान में खेले। टुन्नू उठ। क्या हुआ, खेला नहीं है? कम ऑन टुन्नू। ए बोला तो अब देख। कम ऑन टुन्नू, बस बस। कम ऑन टुन्नू, बस बस। कम ऑन, कम ऑन टुन्नू। टुन्नू बेटा जल्दी घर आ गए। हाथ में दोनों निशाना लगाती हूँ। आज से हम यहाँ फुटबॉल खेलेंगे और तुम दिखाई नहीं दोगे। क्या हम दिखाई नहीं देंगे? हुर्रे! बस अब और नहीं खाएगा। मैं खाऊंगा। तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। खाते खाते जा, रुको ना खाते जा। मारुति बेटा कहाँ हो? चला के फिर से तुम खाओ। खाते ही खाते जा। मारुति को देखा? मारुति, 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 मारुति। जीभ मचा रही है तू फिर भी है मासूम। घर बार को तू बन जाया, संसारों का चकराया। आगे हर कोई गोल को। मारुति, मारुति तू कहाँ है? मैं खाऊंगा। मारुति अभी और कितना खाएगा? मैं खाऊंगा। मारुति आप मुझसे बात मत करो। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा? आप मुझे खाने नहीं देते हो। कोई मुझे खाने नहीं देता है। सुनो बेटा, देखो तुम्हें खाने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ सो जा बेटा, कोई तुम्हें खाने से नहीं रोकेगा। पूरे गांव में अन्न का एक दाना नहीं बचा। कहाँ है वो भूखा शैतान? बाहर आ मारुति की माँ। दरवाजा खोल पंडिताइन, नहीं तो हम तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। पुजारी का बेटा है तो क्या हुआ, उसके लिए हम अपने बच्चों को भूखा रखें? वो बाहर नहीं आएगी, दरवाजा तोड़ो। जोर लगा के। जोर लगा के। थकना मत भाइयों, आ जाओ। एक बार और। जोर लगा के। आयशा वहाँ दरवाजे पे क्या कर रहे हो? इधर आओ। पंडिताइन दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की तोड़ के अंदर आ जाएंगे। तू यहाँ दरवाजे पे खड़ा क्या कर रहा है? आप सो रही थी ना, तो वहाँ बाहर। क्या कह रहे हो, मुंह मत हिलाओ, बोलो जो बोलना है। तुमने मेरे कान में रुई डाली थी क्यों? मुखिया जी
बजरंगपुर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा और तुम पूछती हो कि क्या हुआ। अपने खाना चोर बेटे को लेकर निकल जाओ गांव से, वरना बिना काल के सब भूखे मरेंगे। वो तो बस बच्चा है मुखिया जी। बच्चा जो 3 महीने में सांड जैसा हो गया, उसे तुम बच्चा कहती हो? राहू की दशा लेकर आया है तुम्हारा मारुति गाँव में। पंचायत का फैसला है, आज रात तक चले जाओ गाँव छोड़कर। बच्चा है कि शैतान, नाक दम कर दिया है। बाय मारुति। मारुति बंदर गांव में है ही नहीं। देखते हैं कौन बचाता है मिंकू को। अंदर फेंक दूं? नहीं नहीं नहीं। अब बुला अपने बंदर दोस्त को। नहीं नहीं। जा निकाल बैग अभी। हेलो टन्नू। मारुति। तुम्हें तो गांव से बाहर निकल गया था ना मारुति? तो वापस आने में कितना टाइम लगता है? मेरा बैग उन्होंने अंदर फेंक दिया। हाँ? वाह! कौन है ये बच्चा? जिंदा वापस जाने न पाए। कितने आदमी थे? एक बच्चा था। वो एक बच्चा था और तुम साथ, और साथ में 4 कुत्ते, फिर भी जाने दिया उसे। वो बच्चे जैसा नहीं था। तुमको पता है बजरंगपुर में घर घर में जब बच्चा सोता नहीं तो उसकी माँ कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो दीवार पार वाला राक्षस आ जाएगा। और तुमने हमारा डर पूरा मिट्टी में मिला दिया।
और साथ में वो आम भी ले गया। ले गया वो आम। हाँ तू। अब वो सबको जाके बोलेगा कोई राक्षस वाक्षस नहीं है इधर, बस चार कुत्ते हैं, चार टांगों वाले और सात कुत्ते हैं, दो टांगों वाले। सॉरी बॉस। सॉरी से कुछ नहीं होगा, मुझे वो बच्चा चाहिए, जिंदा ओके बॉस या मुर्दा। मम्मी को बस बताना कि हम लोग राक्षस के पास गए थे। इतनी देर क्यों लगा दी? कितनी बार कहा है देर से मत आया करो। माँ ये मेरा दोस्त है मारुति। नमस्ते आंटी। बहुत प्यारा है, लड्डू जैसा। कुछ खाओगे बेटा? माँ कहती है मैं बहुत खाता हूँ इसलिए किसी के घर ना खाऊं। कोई बात नहीं, यहाँ खा सकते हो, अंदर आ जाओ। नहीं है मक्खन हम क्या खाएं ये तो पो। बस आंटी आज मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, आने से पहले मैंने बहुत आम खाए थे। बेटे है ब्लैक होल। वो राक्षस वाली कहानी सुनाओ ना माँ। एक आंख वाली राक्षस की नहीं, छह आंख वाली राक्षस की। कौन सी? वही शुक्रग्रह वाली। अच्छा वो वाली। कहाँ तक पहुंची थी मैं? जब शुक्र ग्रह की स्थापना हुई थी। हाँ शुक्राचार्य शुक्र ग्रह में बदल गए और सारे दानव वहां जाकर बस गए। फिर शुक्राचार्य ने सर्प दंश की चमत्कारी शक्ति से राहु के सर को काल दंश के धड़ से जोड़ दिया और धड़ को सर से। इस तरह राहु केतु, राहु और केतु बन गए। जब तक मेरा ये सर्पदंश इस ग्रह पर रहेगा दानवों को जीवन शक्ति मिलती रहेगी। और अब राहु और केतु अपनी दानव सेना के साथ उसी ग्रह पर रहते हैं। के मुख्य समाचार। धरती से मिलने वाली रिपोर्ट से लगता है वो दिन दूर नहीं जब इंसान पूरी तरह हमारे जैसा हो जाएगा। बिल्कुल काली चुड़ैल। आज अफगानिस्तान में हुए बमबारी में हजार लोग मारे गए और मुंबई में हुए रेल धमाके में 800 लोग क्या कहते हैं उसे भगवान को प्यारे हो। और खुशी की बात ये है कि इंसान ये सब खुद ही कर रहा है कि नहीं? कहिए प्रभु ये कोई खाना है? अरे सर अकेले ही खाएगा क्या? हाँ अबे इसे साना बंद कर, तेरी भूख है कि पता नहीं क्या है। अबे बोला ना मत कर। सर्पदंड था इस ग्रह का शक्ति स्रोत, कोई खिलौना नहीं जो तूने उसे नीचे फेंक दिया और वो पृथ्वी पर जा गिरा।
वो सर्पदंड मुझे वापस चाहिए। सर्पदंड पृथ्वी पर गिर गया है, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। कोई विश्वास नहीं करता, जब फटेगा एक दिन तब लोग बोलेंगे कि ज्वालामुखी ही जानता था कि ज्वालामुखी कब फटेगा। ये लड़के, तेरा नाम टुन्नू है ना, ये रख पैसे और उस छोकरे को दोबारा बाग में लेकर आ, समझे? अंदर किसे भेजे, बोलना प्लीज। आम खाना है फिर से? हाँ। अरे वो तो अपने आप ही चला गया। आज वो कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे। यौबे बंदर, अब उछल के दिखा। तुम उधर भागो, मैं इधर जाती हूँ। भागोगी? लेकिन टुन्नू भैया, मैंने क्या किया है? वो गेट को मिंकू कहा है? मुझे नहीं मालूम। ये क्या है? पहले जैसे करना नहीं आता। नहीं, मिंकू। ये क्या है? मुझे देगा? नहीं, नहीं। देता है कि? मिंकू, भाग। दे, मुझे दे दे, नहीं तो टंकी मुन्नी को मार देगा। सोच ले। सर्पदंड बजरंगपुर में है, आप एजेंट 007 और 008 को वसूली के लिए भेज दीजिए।
और एक खास खबर है, सर्पदंड से भी बड़ी। वो जरूर अपने घर चला गया। हो ही नहीं सकता है। मारुति मुझे छोड़ के कभी घर नहीं जाएगा। सूरज डूबने वाला है, अगर हम अभी नहीं गए ना तो हम भी गायब हो जाएंगे। निंकू, मारुति को देखा तुमने? नहीं चाची। पता नहीं बिना बताए कहाँ चला गया है। जानी, मारुति सेठ जिनके अपने घर पेड़ों पे हुआ करते हैं, वो दूसरों के पेड़ों से आम चुरा कर खाया नहीं करते। पेट खराब हो सकता है, समझे? आप राक्षस हो? खामोश, बॉय, स्मार्ट बॉय, इसको कल ज्वालामुखी में ले जाकर परोस दो। न रहेगा ये शैतान, न चोरी होंगे हमारे आम। मुझे भूख लगी है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे भूख लगी है। किसने ललकारा, आज फिर से वक्त ने है तुझको पुकारा। फिर उड़ा दे दुश्मनों का खेल तू सारा, हो जाए सारे फिर से नौ और दो ग्यारह। बंदर चल फुट, खुश खाने चल फुट। क्या हे, हिंदी नहीं आती तो अपनी भाषा में बोलो। चिल डू, रिलैक्स, चल जा यहाँ से, नहीं तो क्या अपनी दूसरी आंख भी फोड़ लेगा। ठहर जाओ, भी बताता हूँ। इधर सेंटर में। Yo, baby.
मिशन अकम्प्लिश्ड। बंदर इतने सारे। Dude, have you lost it or what? Whatever, let's go. बेटा कहाँ चले गए थे तुम? अब तेरा क्या होगा कानिया? हाँ? आप मुझे नहीं मार सकते सरकार। हाँ? क्यों 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 नहीं मार सकता? हाँ? आप में बाबा जी से अकेले सामना करने का दम नहीं है। हाँ? मुझे उस बाबा जी से बचा ले मेरे भाई, बचा ले, बचा ले। हवन की सामग्री कहाँ है? आम कहाँ है? सारे आम चुरा लिए। मजाक समझ रखा है? हमारी वर्षों की तपस्या भंग हो गई तो जानते हो क्या होगा? नहीं, धरती के गर्भ से बाहर आ जाएगा और सारी धरती ध्वंस हो जाएगी। बाबा जी आम तो नहीं है, केले, चीकू, तरबूज, कुछ और चलेगा। महामूर्ख, इस हवन की अग्नि में केवल आम की आहुति देते हैं या इंसान की? बाबा जी। जाओ अग्नि के बुझने से पहले हवन की सामग्री का इंतजाम करो। कड़वा है। मिंकू ये है क्या? मुझे नहीं पता। लेकिन मिंकू ये मिला कहाँ से? ये जमीन पे पड़ा था। हाँ? ये क्या है? वाह, ये देख। पकड़। नहीं, मुझे इसे डर लगता है। क्यों? रात को ये सांप बैठ के घूमता है, कल पूरी रात नींद नहीं आई। इसे तुम ही रखो। हाँ तू? बाको देख रहा है? नहीं अंधा हूँ। देख लिया, होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ? बाको भागो! मैं जा रहा हूँ भाग्यवान, बच्चों का ख्याल रखना। नहीं स्वामी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जल्दी ही सर्पदंड नहीं मिला तो पूरी दानव जाति खत्म हो जाएगी। किस भगवान ने अवतार लिया है और क्यों?
बाल बाल बचे हैं। सर्पदन कहाँ है? इसने बोला ना बाल बाल बचे हैं। हाँ, सिर्फ बाल ही बचे हैं। वो बच्चा था कि क्या था? बच्चा? बच्चा ही था। आँख ही थी। चुप! दानव रूप धारण क्यों नहीं किया? भूल गया। ये भूल गया। तुझे याद दिलाना चाहिए था ना? इंटेलिजेंट तू है, याद मैं कैसे दिलाता? भिन भिनाना बंद करो और वापस जाओ। बिना सर्पदन के वापस आए तो हाथ नाक कान सब काट दूंगा। जाओ। उसको पकड़ना आसान नहीं है, सर्पदन है उसके पास। किसी तरह सर्पदन को उससे अलग करना पड़ेगा। हाँ, मधुमक्खियाँ बात कर रही हैं। अपना काम कर बुड्ढे। हमने काटा तो फूल के तरबूज हो जाएगा। समझा? भैया। घूमने चले काजिन किचन से। छूने चले थे तारों पे घूमने चले थे ऐसे गिरे सारे जान मुश्किल में प्यारे आसमां को छूने चले थे तारों पे घूमने चले थे ऐसे गिरे सारे जान मुझे कैसे प्यारे किधर भाग रहे हैं? तू मेरी बात दोहरा क्यों रहा है? दोहरा कह रहा हूँ, हम दोनों वही बात तो बोल रहे हैं, बस तो थोड़ा पहले बोल रहा है। चालू? तू चालू, सर्पदन इस तरफ। यहीं कहीं गिरा था, मिला क्या? उसके पीछे क्या है? के पास जाकर बोल, यहाँ मत भिन भिना। वो सर्पदंड हमें दे दो पूछ वाले। सर्पदंड क्या होता है? जो तुम्हारे हाथ में है पूछ वाले। ये? हाँ, हमें दे दो वरना हम उस ठोकरे को काट लेंगे। लो। अब क्या करोगे? दानव रूप ले क्या? सर्पदंड उसके हाथ में है। ले ले सोच ले।
अगर नहीं लिया तो बहुत जूते पड़ेंगे। इस बार तो बोल भी नहीं सकते कि भूल गए। सर्पदंड। यहाँ से बाहर कैसे निकले? ये तो बहुत सिंपल है। क्या? सर दंड। आधा आधा चाहिए? पूरा चाहिए। दोनों को पूरा कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास तो एक ही है। तुमको दिया तो उसको तो वापस जाकर जूते पड़ेंगे, और इसे दिया तो तुमको जूते पड़ेंगे। कैसे? वैसे लास्ट टाइम मिले थे तो कहाँ थे तुम्हारे? अब तो बस बाल ही बाल बचे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसे फेंकता हूँ, जिसने पकड़ा उसका। अब ये जहाँ से आए हैं इनको वही वापस भेज देता हूँ। शुक्र से शुक्राचार्य जी का सर्प दंड गुम हो जाने से ग्रह का शक्ति स्रोत एनर्जी सोर्स ही खत्म हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा काली चुड़ैल। देश विदेश से दानवों के मरने की खबरें आ रही है। ऐसा लगता है कि धरती पर प्रलय आने से पहले शुक्र पर आ जाएगा। और अभी अभी मिले समाचार से पता चला है कि धरती पर पोस्टेड हमारे खास खुफिया 007 और 008 खूंखार हाकू और खुर्राट बाकू शुक्र पर वापस आ गए हैं। कौन सा भगवान हो सकता है? क्या हुआ? दानव रूप लिया था। मैंने भी लिया था। उसके पास सर्प दंड था और पूंछ भी थी। पूंछ तो बंदर की होती है। वही जो बंदर की होती है। हनुमान धरती पर कूच करें। पर अभी तक तो प्रलय उठा नहीं। समाचार नहीं सुना? प्रलय के उठने का इंतजार करते रहे तो शुक्र पे प्रलय आ जाएगा। चलो। कहाँ आग लग गई? धरती पर लगने वाली है प्रभु। राहु केतु धरती पर कोच कर रहे हैं। अब क्या करें? ओहो, अब तो अवतार लेने का भी टाइम नहीं है। प्रभु आपको तो पता है राहु केतु मेरे पुराने दुश्मन हैं। अगर वो शुक्र से बाहर आ रहे हैं तो मुझ पे आक्रमण अवश्य करेंगे। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। हनुमान? हाँ, हनुमान पृथ्वी पर है। वो वहाँ क्या कर रहा है? छुट्टी पर है। वो तो जब हनुमान वापस आ जाएगा तभी पता चलेगा कि वो छुट्टी पे गया था या काम पे। फिलहाल तुम उसके पास संदेश लेकर जाओ। लेकिन प्रभु उसकी दिव्य शक्तियाँ तो चित्रगुप्त के लॉकर में बंद हैं। तो उनको भी ले जाओ। गांव से निकाल दिया फिर भी ये हरकतें करता रहता है। हमारे बच्चों को जंगल में ले गया था, मधुमक्खियाँ काट लेती तो बचाओ भी तो उसने ही था। चुप रहो तुम। देखो इसका घुटना भी छिल गया है। उसको बोलना कल से हमारे बच्चों के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं। मारुति। मैं क्यों हमेशा अकेला हो जाता हूँ? Hey dude, हम किस लिए हैं? मूर्ख, तुम्हारी वजह से संपूर्ण मानव जाति खतरे में आ गई है। माफ करना बाबा जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी क्षण जाओ, हवन की अग्नि बुझने से पहले भोजन का इंतजाम करो। जाओ। शुक्राचार्य की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। उसके कमंडल से निकला ज्वालामुखी फटने वाला है। तुम लोग जाओ, भागो यहाँ से। जी बाबा जी। मेरा भोग ले, मेरा भोग ले। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। मेरा भोग ले ले, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। मेरा भोग ले ले, शांत हो जा। आ,
भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी। दर्द कहाँ है? वो क्या होता है? ज्यादा खुला मत बन, बताओ सर दर्द कहाँ है? ब्रह्मा जी ने कुछ बोला था, तुम्हें याद है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था, तुम जब चाहो अपनी इच्छा अनुसार हनुमान रूप धारण कर सकते हो। समय आ गया है, बजरंग बली बैक टू नॉर्मल, रिवाइंड, जल्दी करो। तू कौन है? ये सितार? सितार नहीं, गिटार। पहचाने हुए लगते हो, इसे तो मैं जानता हूँ। तू? ये हनुमान है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। हनुमान, सर्पदंड को खत्म कर दो, दानों का दी एंड हो जाएगा। बाय। सर्पदंड। Oh, 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 oh!
That's all. जय श्री राम। पुत्र, राहु केतु अमर हैं, वो मारे नहीं जा सकते, उन्हें शुक्र पर वापस भेजना होगा। जो आज्ञा माते। हनुमान, तुमने हमारा सब दंड खत्म कर दिया, हम तुम्हारा सूरज और तुम्हारी वायु खत्म कर जाएंगे। जन्म लेकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। राहु, तुझे भी वही बेचता हूँ जा केतु को भेजा। दानव है प्रभु, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। प्रलय खुद प्रकृति का दानव रूप है, मानव जाति के कर्मों का परिणाम। हम कुछ नहीं कर सकते।
शुक्राचार्य के फेंके हुए कमंडल से बने ज्वालामुखी में पनप रहा प्रलय ही प्रकृति का दानव रूप है। जिन मनुष्यों को तू दानवों से बचा रहा है, कलयुग में वे स्वयं दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे। ये शुक्राचार्य की भविष्यवाणी और मानव जाति द्वारा फैलाए हुए प्रदूषण का परिणाम है। और जब शुक्राचार्य का सर्पदंड उस कमंडल में जा मिला तो ये प्रलय बाहर आ गया। तो इसे नष्ट कैसे किया जाए प्रभु? वो कोई जीवित जंतु या दानव नहीं है। उसकी नाभि का ढक्कन मानव के फैलाए प्लास्टिक बोतल कचरे से जाम हो गया है। अंदर जाकर वो ढक्कन खोल दो, प्रलय अपने आप धरती के गर्भ में वापस चला जाएगा। और सालों से लापता गांववासी जो अब भी प्रलय के गर्भ में जीवित जूझ रहे हैं बाहर आ जाएंगे और बजरंगपुर फिर खुशहाल हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब प्रलय वापस जा रहा हो तब गांव वालों को अपने साथ न ले जाने पाए। उन्हें बचाना तुम्हारा काम है। प्रदूषण के श्राप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद पवन पुत्र। आप कौन? मैं प्रकृति। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा माँ, और मेरे दोस्त भी। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं ब्रह्मा जी को मैनिपुलेट करके वापस आ जाऊंगा। पंडित जी, माँ का ख्याल रखना। ऐसे रोगी तो नहीं जा पाऊंगा माँ। वैसे बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं सच्ची में थोड़ा डिफरेंट हूँ, है ना मुन्नी? और अब कोई तंग करे तो बात बात में रोना मत, खुद लड़ना सीखना पड़ेगा, समझे? बहुत हो गया तेरा इमोशनल ड्रामा, चल हॉप इन, बैठ गरुड़ पे। गरुड़ की जरूरत आपको है, चलो कटो। Thank you.
जे जे